नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी दोस्तों को राम राम। आज मैं फिर एक नए औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। आज जिस औषधि के बारे में हम जानकारी लेके आए हैं उसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल के समय में इसने हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई है। आप जिसे देख रहे हैं इसे संस्कृत में गुड़ुचि, तंत्रिका, अमृता, मधुपर्णी, अमृतलता, छिन्ना, अमृतवल्ली, चंद्रप्रास, चक्रिंगी के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में इसे गिलय, गुड़ुच, गुड़ुची के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में इसे गिलोय, गुरुत के नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। गिलोय के बाहरी स्वरूप यह है, आपको जंगलों, खेतों, खलिहानों, चट्टानों और पेड़ों पर चढ़ती हुई मिल जाएगी। यह मुख्यतः आम और नीम के वृक्षों पर पाई जाती है। इसका तना मोटा और विशिष्ट पहचान यह है कि इसके छाल हल्के भूरे रंग के और कागज जैसी परतों में होती है। इसके पत्र, पान एकांतर और हृदयाकार, जालीकार और पान के पत्तों के जैसे दिखाई देते हैं। इसे फूल ग्रीष्म ऋतु में छोटे छोटे पीले रंग के गुच्छों में आते हैं तथा इसके फल गुच्छों में ही लगते हैं। पकने के बाद यह लाल हो जाते हैं। इसके बीज चिकने और कुछ छोटे मिर्च के दानों के समान दिखाई देते हैं। गिलोय के आयुर्वेदिक गुण धर्मों की बात की जाए तो यह त्रिदोषात्मक होते हैं तथा यह तिक्त, काश्य और छीतग्राही, दीपन, पाचक, पित्तरस अनुलोमन और कृमि घन्य होते हैं। यह रक्त विकार, पांडु रोग में गुणकारी तथा खांसी, दुर्बल्य, प्रोमेह, मधुमेह, त्वचा रोगों में इसके प्रयोग किया जाता है तथा कई प्रकार के ज्वर को उत्तम तरीके से इससे ठीक किया जा सकता है। यह आमाशय की दुर्बलता, अम्लता को दूर करता है तथा यह हृदय को बल देने वाली होती है। इसे तीक्ष्ण दाह, प्रोमेह, कुष्ठ और कमला और पांडु रोगों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है और बल कारक, मल रोधी होता है। गिलोय के औषधि प्रयोग। नेत्र विकारों में आँखों की लालिमा, आँखों से आंसू निकलना, मोतियाबिंद इत्यादि होने पर 10 मिली गिलोय के स्वरस को शहद या सेंधा नमक 1-1 ग्राम मिलाकर खूब अच्छी तरह से खराल करके अंजन करने से सभी प्रकार के नेत्र रोगों का नष्ट हो जाते हैं तथा गिलोय के रस में त्रिफला मिलाकर क्वाथ बना करके पीपली चूर्ण व शहद मिलाकर के प्रातः साय सेवन करते रहने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। कर्ण रोग होने पर कान का मैल निकालने के लिए गिलोय को पानी में घिस करके गुनगुना करके कान में 1-1, 2-2 बूंद डालते रहने से कान का मैल बाहर निकल जाता है। वक्षरोग होने पर यदि किसी को टीवी की समस्या है, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है तो आपको अश्वगंधा और सतावर, दसमूल, बालमूल, अड़ूसा, आतिश, गिलोय को लेकर क्वाथ बनाएं और 20 से 30 मिली क्वाथ को सुबह शाम सेवन करने से टीवी रोग दूर हो जाता है। इसके साथ में आप दूध ले सकते हैं। यदि किसी को हिचकी रोग है तो गिलोय और सौंठ के चूर्ण को नाक के माध्यम से अंदर लेने से हिचकी बंद हो जाती है अथवा गिलोय चूर्ण और सौंठ को चूर्ण बनाकर हिम बना करके इसमें दूध मिलाकर के पीने से हिचकी रोग दूर हो जाती है। यदि किसी को बार बार उल्टी आ रही है तो हम गिलोय के स्वरस में 4 से 5 ग्राम तक मिश्री मिलाकर के प्रातः साया पीने से वमन, उल्टी रोग में दूर हो जाता है। इसके अलावा अड़ूसा छाल, गिलोय, छोटी कटेली को सम भाग मिलाकर आधा लीटर पानी में पकाकर चतुर्थभाग शेष रह जाए तो क्वाथ को शीतल, ठंडा होने के बाद मधु मिलाकर के पीने से सूजन, खांसी, श्वास, ज्वर और उल्टी, इन सभी में
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, दूर हो जाती है। इसके अलावा संग्रहणी पेचिस या किसी को दस्त हो रही हो तो सोंठ आती इस गिलोय को संभाग में लेकर जल में क्वाथ करके इस क्वाथ को 20 से 30 मिली की मात्रा में सुबह शाम पीने से मंदाग्नि, आम दोष, संग्रहणी, उदर संबंधित हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा गुदा रोगों में यदि किसी को अर्श यानी बवासीर है तो हर्रा, गिलोय तथा धनिया को सम भाग में लेकर 20 ग्राम लेकर के आधा लीटर पानी में पका करके इसका शेष आधा भाग बच जाए तो इसे उतार कर ठंडा करके इसमें गुड़ मिला लें और प्रातः साया इसको सेवन करते रहने से बवासीर जो रोग असाध्य होता है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। यदि किसी को कमला, पीलिया रोग, पांडु रोग है तो 20 से 30 मिली मात्रा में गिलोय का क्वाथ में 2 चम्मच शुद्ध मधु मिला करके दिन में 3 से 4 बार पीने से पीलिया रोग, पांडु रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के 10 से 20 पत्तों को पीस करके 1 गिलास छाछ में मिला करके इसे छान कर प्रातः और काल के समय पीने से कमला, पीलिया रोग दूर हो जाता है। यदि किसी को मूत्र संबंधित रोग, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब करने में जलन, इस प्रकार की यदि तकलीफ है तो गिलोय के 10 से 20 मिली स्वरस को पत्थर में पाषाण भेद पत्थरचूर 20 ग्राम मिला करके 1 ग्राम मधु मिला करके दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से मूत्र संबंधित रोग में बहुत ही फायदा मिलता है, रोगों में आराम मिलता है। इसके अलावा गठिया वात रोग होने पर 2 से 5 ग्राम गिलोय चूर्ण को दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार पीने से गठिया और मूत्रलता मिट जाती है और वात रोगों में फायदा मिलता है। इसके अलावा किसी को हाथी पांव फाइलेरिया हो तो 10 से 20 मिली गिलोय के स्वरस में 30 मिली कटु तेल, सरसों तेल मिला करके प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट पीने से हाथी पांव फाइलेरिया, सिलपत के रोगों में बहुत ही आराम मिलता है, फायदा मिलता है। इसके अलावा गिलोय का उपयोग मलेरिया बुखार, फाइलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार या मौसमी बुखार, किसी भी प्रकार के पुराना बुखार जो कि हड्डियों में हो, जो छोड़ता ना हो, तो उसके लिए बिलवारी, अरणी, गंभीरी, सोनपाठा और गिलोय के सभी को आपस में मिला करके तथा साथ साथ मूल छाल, गिलोय, आंवला, धनिया को बराबर बराबर लेकर क्वाथ बनाकर 20 से 30 मिली मात्रा में क्वाथ को दिन में 2 बार पिलाने से वात ज्वर, मलेरिया ज्वर दूर हो जाता है। जीर्ण बुखार, पुराना बुखार होने पर इसको 6 दिनों से अधिक समय से हो रहे बुखार को छुटकारा दिलाना है। 40 ग्राम गिलोय को अच्छी तरह से कुचल कर उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर 20 से 30 मिली मात्रा में पानी मिलाकर रात भर उसे ढक कर रख दे और प्रातः काल उसको गर्म करके 20 मिली मात्रा में दिन में 3 बार पीने से किसी भी प्रकार का पुराना बुखार हो दूर हो जाता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल CG प्रांजल 36 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के नए नए औषधि पौधे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के नए नए औषधि पौधे के बारे में जानकारी डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। हमारा संपर्क नंबर है 780-506-5174। किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आयुर्वेद।